वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए शिवराज सरकार अब अध्यादेश लाने जा रही है। इसके माध्यम से 1869 अनधिकृत यानी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का अधिकार निकायों को मिलेगा। इसके पहले 5000 से ज्यादा कॉलोनियों को शुल्क लेकर नियमित किया जा चुका है। इनका प्रबंधन नगरीय निकायों ने अपने हाथ में ले लिया है, पर 3 जून 2019 के बाद से कोई अवैध कॉलोनी नियमित नहीं हुई, क्योंकि हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनाइजर संबंधी शर्तों के एक नियम को रद्द कर दिया था। इससे रहवासियों के हितों पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। अभी विधानसभा का सत्र नहीं है, इसलिए अध्यादेश लाने की तैयारी की गई है। इसके प्रारूप को मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का मामला काफी समय से चल रहा है। समय समय पर कॉलोनियों को वैधता भी दी गई, पर 3 जून 2019 को हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद ये काम रुक गया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नियम बनाने की बात कही थी, पर तैयारी के बीच ही सत्ता परिवर्तन हो गया। शिवराज सरकार ने मार्च 2021 के बजट सत्र में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी की थी, पर कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सत्र समय से पहले स्थगित हो गया। विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से प्रावधान लागू करने की तैयारी की है। मध्य प्रदेश नगर पालिका यानी कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें नियम 1998 में नियम 15 का जोड़ा गया था। इसमें 31 जून 1998 तक विकसित अनाधिकृत कॉलोनियों तथा उसमें भूखंडों पर अवैध निर्माण का शुल्क लेकर नियमितीकरण कराने का प्रावधान था। इस समय सीमा को पहले 30 जून 2002 तक, फिर 31 दिसंबर 2016 तक बढ़ाया गया था। इससे ये फायदा होगा कि बैंक से भूखंड पर ऋण ले सकेंगे, सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाएं नगरीय निकायों के माध्यम से मिल सकेंगी। स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण यदि 20% तक है तो उसे समझौता शुल्क लेकर मान्य किया जाएगा, इससे अधिक को तोड़ा जाएगा। निकायों की आय बढ़ेगी और विवाद भी खत्म होंगे। और इसमें सख्ती ये होगी कि बिना निर्माण कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकेगा। रहवासी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कॉलोनाइजर यदि जुर्माने की राशि नहीं चुकाते हैं तो बैंक गारंटी या संपत्ति कुर्क करके वसूली की जाएगी। यदि अवैध निर्माण होता है तो संबंधित नगरीय निकाय के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।